हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी से क्रिस्पी नाश्ता। इसे आप शाम को स्नैक्स के रूप में भी बना सकते हैं। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। रेसिपी बनाने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। इससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल सूजी, दो बाउल पानी, प्याज बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, गाजर कद्दूकस की हुई, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुकिंग ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चौथाई छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई सौंफ, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। गाजर को कद्दूकस कर लें। प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च को बारीक काट लें। धनिया को भी अच्छे से धोकर बारीक काट लें। पैन में पानी डालें। दो से ढाई बाउल तक पानी डालें। जब पानी हल्का सा गर्म होने लगे तब गैस की फ्लेम को लो कर दें और इसमें एक बाउल सूजी डालें। सूजी डालते ही गैस की फ्लेम को लो कर दें और इसे कंटिन्यू चलाते रहें। सूजी का डो टाइप रेडी करें। ये देखिए, सूजी हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए इसे कंटिन्यू चलाएं। सूजी का डो हमारा रेडी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे बाउल में निकालें। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। गाजर डालें, शिमला मिर्च डालें, बारीक कटा हुआ प्याज डालें, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें, कुटी हुई सौंफ डालें, अजवाइन डालें। अजवाइन को हाथ पर क्रश करके डालें, इससे टेस्ट बढ़िया आता है। हल्दी पाउडर डालें, इससे हमारे स्नैक्स का कलर बढ़िया आता है। काली मिर्च पाउडर डालें। चिली फ्लेक्स डालें। चिली फ्लेक्स की जगह आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। स्वादानुसार नमक डालें। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो अदरक का पेस्ट डालें और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए, मटेरियल हमारा रेडी है। हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लें और इसे राउंड शेप देते जाएं। थोड़ा सा इसे फ्लैट करके प्लेट में रखते जाएं। इसी प्रकार सारा नाश्ता रेडी करें। गैस पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दें। जब ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो तब गैस की फ्लेम को लो कर दें और एक एक करके इसे फ्राई करें। इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। लो फ्लेम पर ही से फ्राई करें। इससे ये बाहर से क्रिस्पी और बनते हैं और अंदर से अच्छे से
कुक हो जाते हैं। एक साइड से सिकने के बाद इसकी साइड चेंज कर दें। ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। इसी प्रकार और भी फ्राई करें। इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। सूजी का क्रिस्पी नाश्ता रेडी है। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। आप हमारी ये वीडियोस भी देख सकते हैं।